नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज एक बार फिर से एक गांव का सफर तय करेंगे और एक बार फिर से पहुंचेंगे एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर इस वक्त वहां के मुद्दे सियासी सवाल भी बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जनप्रतिनिधि अपने गांव गांव भी पहुंच रहे हैं। जो 5 साल नहीं पहुंचे अब उन सड़कों को भी नाप रहे हैं, लेकिन हमारी मुहिम पिछले काफी लंबे दिनों से जारी है। हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों के गांव गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार क्या विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास किया या फिर नहीं। तमाम वीआईपी सीट्स पे हम इस वक्त गांव गांव तक लोगों की आवाज और लोगों से वहां के क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जिक्र किया था कोटद्वार की विधानसभा सीट का। हाई प्रोफाइल सीट थी हरक सिंह रावत की। कोटद्वार में कुछ काम नहीं हुआ, वहां के लोग परेशान थे। चौबट्टा खाल की यही स्थिति थी, जहां से सतपाल महाराज मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं, लेकिन चौबट्टा खाल में विकास को लेकर उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया। श्रीनगर का हाल भी हमने देखा, जहां से धन सिंह रावत विधायक हैं और श्रीनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनकी पोल खुल गई। हरिद्वार ग्रामीण में जब हम पहुंचे, स्वामी यतीश्वरानंद के क्षेत्र में गांव के लोगों से बात की तो गांव के लोगों ने बताया कि यहां पर मंत्री जी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। यानी समस्याएं इस वक्त मुंह बाहे खड़ी हैं। यही हाल नरेंद्रनगर सीट का था, जहां से सुबोध उनियाल मंत्री हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन जनप्रतिनिधियों को जो गांव का हिस्सा है, जो गांव को समझते हैं, पहाड़ की पीड़ा को समझते हैं, उनको इस कार्यक्रम में शामिल करें। लगातार यह प्रयास हमारा जारी है और आज एक ऐसी ही वीआईपी सीट पर हम इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और वो सीट है कालाडूंगी। वीआईपी सीट है कालाडूंगी। मंत्री हैं भगत बंशीधर भगत। भगत जी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में एक है, लगातार विधायक हैं और ऐसे में उनके क्षेत्र को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी है। वैसे तो राजनीतिक नजरिए से इस वक्त दो चेहरों के बीच में सियासी टक्कर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि बंशीधर भगत अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महामंत्री जो हैं सुरेश भट्ट, वो भी एक्टिव हैं। लेकिन मसला ये सियासी नहीं है, मसला यहां पर सीधे तौर पर ये है कि मेरे गांव मेरे देश में हमारी मुहिम ये होती है कि हम उन गांव की पीड़ा को हुक्मरानों तक पहुंचाएं जो सुनाई नहीं देती, जो महसूस नहीं होती। आज पहाड़ की पीड़ा का जिक्र कर रहे हैं कालाडूंगी का, तो आपको बता दें मेरे साथ इस वक्त यशपाल आर्य जुड़ चुके हैं। ये कैबिनेट मंत्री, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, वो यशपाल आर्य नहीं, लेकिन दरअसल ये ग्रामीण हैं और इस क्षेत्र को समझते हैं। यशपाल आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे हरीश महारा हैं, जो कि प्रदेश सचिव हैं यूथ कांग्रेस के। यशपाल आर्य जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। कालाडूंगी की तस्वीर क्या है, कालाडूंगी का हाल क्या है, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए यशपाल जी। सर, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का हाल ये है कि पिछले 25-30 वर्षों से वहां पर लगातार एक ही पार्टी के विधायक बनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज भी यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो सर आप देखेंगे अधिकतर, हमने तो देखा है, भ्रमण किया है कि अनुसूचित बाहुल्य जो क्षेत्र है हमारे, उन क्षेत्रों में विकास नाम की कोई ऐसी चीज नहीं हो पा रही है। कई लोग परेशान हैं, दिक्कत हो रही है, कोई कैंप सही तरीके से लग नहीं पा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के हों या आपके ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कैंप हैं या आपके स्वच्छता कार्यक्रम के कैंप हैं, ऐसी कोई भी जो सरकार की सुख सुविधाएं हैं उन सारी सुख सुविधाएं अभी हो नहीं पा रही है, ये बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा यशपाल जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है आपको कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इस विषय को लेकर कोई काम नहीं हुआ, वो कौन सी ऐसी समस्या है कालाडूंगी? सर, हमारी विधानसभा उत्तराखंड में 56 लालगढ़ विधानसभा है। यहाँ पर लगभग पिछले, जब ये 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड अलग हुआ है, तब से लेकर अभी तक 10-11 हमारे जो सीएम बन चुके हैं, मगर 65,000 या 70,000 की आबादी वन क्षेत्रों में रहती है, जो कि पिछले 80 सालों से रह रही है लगभग। जब ये आई भी तब पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, जो यहाँ पर जब पहाड़ में कोई आपदा आई, कोई विपदा आई, तो उसकी वजह से हमारे सारे बुजुर्ग लोग यहाँ चले आए, तो
आज तक इन जमीनों का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल पाया है, जिससे कि आर्थिक स्थिति के साथ साथ उनके रोजगार की स्थिति, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी दिक्कत में, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हो रही है लोगों को। और साथ में यदि आप देखेंगे क्षेत्र में लालगोला विधानसभा का अगर मामला लेते हैं, जबकि इतना बड़ा करोड़ रुपए की आमदनी वाला गोला, ये गोला क्षेत्र है हमारा जहाँ से खनन का कार्य होता है, उसका भी जो पैसा होता है वो भी हमारी विधानसभा को यहाँ नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका, जबकि उसके उस पैसे से स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, प्रत्येक घर में परिवार को रोजगार दिया जा सकता था, जिससे कि हमारी माताएं बहनें कुछ भी नहीं होती तो अपना 10-12 हजार रुपए तो घर में बैठे बैठे आराम से कमा सकते थे, खा सकते थे, उस पैसे का उपयोग हो सकता था। लेकिन आज सरकार है कि उसका ना उपयोग हो पा रहा। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप जाएंगे तो सड़क है, बिजली है और आपका पानी है। जिस गांव में अगर 1000 की जनसंख्या है तो वहां पर मात्र 1 घंटा पानी चल रहा है। जल संस्थान की ये दिक्कत है, PWD की ये दिक्कत है कि आप सड़कें देखेंगे अधिकतर, ये तो बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड के अंदर वास्तविकता में अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र हो या सामान्य क्षेत्र हो, जो पिछड़े गरीब परिवार है, उन परिवारों में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा। हाँ, खाद्यान्न की योजना मिल रही है, खाद्यान्न की योजना चल रही है, उसमें वही जो मिल पा रहा है, बाकी तो बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। आज भी देखिए 21वीं सदी में भी लालगोला विधानसभा के सबसे टॉप में एक गंगानगर गांव है जो पिछले कई वर्षों से बसा हुआ है, जिसमें नरेंद्र तिवारी जी ने पट्टी दी थी, आज तक वहां पर लाइट नहीं है लगाई है, ऐसी विडंबना हो रही है, आज तक लाइट नहीं है। कौन सा गांव बताया आपने, एक बार फिर से बताइएगा। हेलो, कौन सा गांव बताया आपने यशपाल जी? गंगानगर। क्या आपने गंगानहर बोला या गंगा नहर बोला? गंगानगर खेड़ा गांव, खेड़ा गांव। आज तक बिजली नहीं है, बड़ा दुख का विषय है। और अभी हमने आंवला चौकी एक क्षेत्र है हमारे, यहीं पर ही है लालगोला विधानसभा के अंदर, उनकी पाइप लाइनें पड़ी हुई है, सब कुछ है, पिछले 3 सालों से हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं, आज तक उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां पर भाजपा का पार्षद है। मुझे यशपाल जी, गरीब आदमी के लिए दुख हो रहा है। यशपाल जी मुझे एक बात बताइए, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मुझे भी। हाँ, आप जो है वो लालकुआ विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं या कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का? सर आपने पूछा था ना, अपनी हमारी लालकुआ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ की बात कर रहा था मैं जी। अच्छा, लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे आप, और कालाडूंगी भी साथ में लगती है विधानसभा क्षेत्र, वहां आपकी क्या समस्या है वो भी बता सकते हैं आप कालाडूंगी की? कालाडूंगी में सर ऐसा है, जैसे हमारा भापला गांव है, वहाँ रास्ते की दिक्कत है, पुल की दिक्कत है, पिछले कई 100-150 सालों से आदमी वहाँ पर रह रहा है, मगर आज तक वहाँ पर ना रास्ता मिल पाया है ना ही पुल मिल पाई है, बड़ी दिक्कत परेशानी है उस क्षेत्र में। अच्छा, कई सारे जानवरों का, जो जानवर आ रहे हैं आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में, जब से जानवरों का कार्यक्रम चला है कि जानवरों को ना काटा जाए ना उनको कुछ करा जाए, छोड़ रखा, तब से तो किसान लगभग नहीं तो 50% तो किसानों का सीधे लॉस हो जा रहा है, बहुत दिक्कत है साहब, बहुत दिक्कत। अच्छा यशपाल जी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, अस्पताल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है? कहाँ पर सर? कालाडूंगी और लालकुआ दोनों ही बता दीजिए आप। सर लालकुआ विधानसभा में तो यदि आप वास्तविकता में अगर चौपाल लगा के सर्वे करेंगे तो वास्तविक स्थिति यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि एक विजयपुर हमारा क्षेत्र है जो पिछले 150-200 सालों से बसा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी तुल नहीं डाला, बड़ी दिक्कत हो रही है, सारे ग्रामीण कई लोग वहां पर बह चुके हैं, कई लोग परेशान हो गए, ऐसे एक नकेल हमारा क्षेत्र है गोलापार क्षेत्र में, वहां भी ये स्थिति पुल नहीं है, और चोरगलिया को जाने वाला मार्ग है, सितारगंज मार्ग है, एक नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता है, वहां पर कॉजवे बने हैं जहां पर बरसात का पानी आता है, कई लोग वहां बह चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं वहां पर, ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन अगर लालकुआ का मैं जिक्र करूं, क्योंकि आप लालकुआ का भी जिक्र कर रहे हैं यशपाल जी, तो इससे पहले तो दुर्गापाल जी विधायक हुआ करते थे, वो तो खुद कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया क्या? सर यदि उन्होंने किया होता तो आज ये इस 21वीं सदी में हम रोते क्यों, हम परेशान क्यों होते, निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ते, ये स्थिति है। अगर दुर्गापाल जी ने किया तो दुर्गापाल जी आगे बीजेपी कहते हैं या नकलते कहते हैं,
वो तो क्षेत्र में घुसने भी नहीं देंगे, ये लोग वोट मांगने जाएंगे तो डंडा लेकर के खड़े हैं लोग। बताइए सर, तो वहाँ स्वास्थ्य के विषय में दुर्गापाल जी ने कुछ नहीं किया आप ये कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया क्या? सर शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, आज शिक्षा का क्षेत्र तो ये इस पर हो गया है कि पिछले जब से लॉकडाउन चला है, और उससे पहले तो थोड़ा बहुत चल गया था, जब से लॉकडाउन चला है तब से हर बच्चा अनपढ़ रह गया है। अब मोबाइल तो गरीबों के पास है नहीं, स्थिति बड़ी खराब हो रही है और चंचल प्रवृत्ति के बच्चे तैयार होने लग गए हैं, क्योंकि घर ही में रह रहे हैं, कभी माँ डांटती है, कभी पिताजी डांटते हैं, कभी भतीजा डांटता है, कभी परिवार डांटता है, वो चंचल प्रवृत्ति के बच्चे तैयार होने लग गए हैं। अब आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर के कई जगहों पर आने वाले टाइम में तो एक अनपढ़ पीढ़ी निकल करके आ रही है। डिग्रियां तो जरूर है, लेकिन किताबों की डिग्रियां नहीं है, खाली ऐसी डिग्रियां हैं जो चल रही है, बस पास कर दो वाला हिसाब हो रहा था, देश का भविष्य तो वैसे भी खत्म हो रहा था। यह है स्थिति। यशपाल जी, मैं क्योंकि स्वास्थ्य के विषय में जानना चाह रहा था आपसे, वहां अस्पताल कितने हैं और किस तरह के अस्पताल हैं वहां पर और सुविधाएं कैसी हैं वहां? अस्पताल तो है सर, अस्पताल है, बिल्डिंग भी बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर नहीं है सर, मशीनें नहीं है वहां पर, मशीनें भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। कौन सा अस्पताल पड़ता है वहां? अभी अभी एक 200 बेड का माननीय विधायक जी द्वारा उद्घाटन किया गया, जबकि जो ऑलरेडी हॉस्पिटल बना हुआ है उसमें डॉक्टर की कोई संख्या का मतलब ही नहीं था। क्षेत्रवासी मांग कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्या करें ऐसे चल रहा है। कौन से विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया था और कौन सा अस्पताल था? माननीय रविंद्र दुमका जी ने किया था सर, एक हमारा यहाँ पर है नीचे हाथी खाने के पास, कहते हैं ना एक जगह है मोती नगर, माननीय विधायक नवीन चंद दुमका जी ने किया था। तो यशपाल आरे हमारे साथ जुड़े हुए थे जो ग्रामीण हैं, दरअसल उनका ये कहना है कि वो कालाढूंगी से ज्यादा लालकुआ जो विधानसभा है उसका वो जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से वहां पे समस्याएं मुबाहे खड़ी हैं, और जिन समस्याओं का वो जिक्र कर रहे थे खासतौर पर, वो समस्याएं अपने आप में सवाल भी खड़ा करती हैं, क्योंकि उनका ये कहना था, यशपाल जी मेरे साथ जुड़ेंगे, कि अनुसूचित बहुल जो क्षेत्र है खास तौर पर लाल कुआं का, वहां पर किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही, वहां की आवाम जो है वो परेशान है, समाज कल्याण विभाग के कैंप नहीं लगते, ये समस्या बनी हुई है। यशपाल जी मैं आपसे दोबारा कनेक्ट कर चुका हूं, मुझे ये जानना था आपसे कि अगर मैं स्वास्थ्य के सेवाओं का आप जिक्र कर रहे थे कि विधायक जी ने उद्घाटन कर दिया, ये कौन सा अस्पताल था ये भी बताइए, और क्या वहां पर वाकई डॉक्टर नहीं है क्या आज भी? मोती नगर पर है और एक हल्दी चौड़ा पर, नहीं डॉक्टर है ही नहीं, आप आकर के सर्वे कर लीजिए, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। और तो और सर आप डॉक्टर की तो डॉक्टर एक आप आमंत्रित कर रहे हैं बार बार यशपाल जी, हम क्योंकि हर विधानसभा जा भी रहे हैं, आइए हम न्यूज वर्ल्ड इंडिया अगर आप देखेंगे तो हर विधानसभा पर जाकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, वो किस्सा कुर्सी का, इसी तरह लोगों की समस्याएं सुनते हैं और जनप्रतिनिधियों को सामने बिठाते हैं। आप देखिए बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में तो बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं जिनको जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। हमने कहा कि आप लोग जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज जो है वो सेतु बनकर हम काम करें और सरकार तक वो पीड़ा सुनाएं पहुंचाएं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो क्योंकि आप आमंत्रित कर रहे हैं, हम पक्का आएंगे, हमारी टीम वहां पे पहुंचेगी आपके यहाँ जी। आप सर जब आप आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर नशा इस प्रवृत्ति से बढ़ रहा है और नशे का तो इतना मतलब खास तौर से हमारी विधानसभा का आदमी तो लगभग लगभग कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन से भी गुहार कर दी है और माइकों से भी बोल दिया है, पत्र व्यवहार भी डीजीपी साहब को भी पत्र दिया है, अनुसूचित जाति आयोग को भी पत्र दिया गया है, लेकिन अब किस प्रकार से क्या सुनवाई हो रही है खुद किसी के भी समझ में नहीं आ रही है सर, बहुत बुरी हालत है। क्या अच्छा यशपाल जी, क्योंकि आपने कहा कि स्वास्थ्य के विषय में जी पक्का आएंगी हमारी टीम और ग्राउंड जीरो पर हम लोग पहुंच भी रहे हैं, और लगातार आप हमारे टाइमलाइन पर देखेंगे तमाम कार्यक्रम ऐसे आपको मिल भी जाएंगे जो खुद जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, अगर मैं बात लालकुआ के ही विधानसभा क्षेत्र की करूं तो आपने बताया कि अनुसूचित बहुल क्षेत्र में जो है कैंप नहीं लगते हैं समाज कल्याण विभाग के, और कुछ आपने वन क्षेत्र का भी जिक्र किया जहां पर 65,000 से 70,000 लोग हैं उनको जो है अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला। अगर लालकुआ के परिपेक्ष में जो शिक्षा का क्षेत्र है वो तो आपने कहा कि काम नहीं हुआ, ना स्वास्थ्य के विषय में, सड़कों का क्या हाल है गांव में,
सड़कें सड़कें देख लीजिए कि कितने की मोटरसाइकिल है, कितनों के नीचे इंजन टूट गए हैं गाड़ियों के। अभी आप आएंगे एक बागजाला ही ले लीजिए, चलो सारे दूर मत जाइए, खाली बागजाला ही ले लीजिए, वो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बगल से लगा हुआ गाँव है, रामलाल कॉलोनी गाँव है, थोड़ा सा गोविंद ग्राम गाँव है, इन्हीं तीन ही गाँव का सर्वे कर लीजिए, सुल्तान नगरी का सर्वे कर लीजिए, गंगानगर का, पड़ोस पड़ोस के गाँव है, आप स्वयं देख लेंगे कि किस तरीके से आपकी गाड़ी अगर आगे बढ़ जाएगी तब आप कहना क्या कहें। हाँ विकास हुआ है, अपने अपने लोगों सब, समस्या सड़कों को लेकर बहुत बड़ी है, अपने क्षेत्रों अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में, अपने अपने मित्रों के घरों में, ये सारी जहाँ जहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे उन घरों में तो विकास हुआ है, लेकिन जहाँ गरीब जनता रहती है वहाँ विकास नहीं हुआ है। स्वयं देख लीजिएगा, आइएगा। एक पहले वाले विधायक अच्छे थे या इस बार वाले अच्छे हैं? हेलो, पहले वाले विधायक अच्छे थे या इस बार वाले? पहले वाले विधायक अच्छे थे या इस बार वाले? सर अभी तक तो लालगढ़ विधानसभा में कोई विधायक ऐसा नहीं आ पाया जिसने लोगों को अच्छा समझा हो, यशपाल जी अच्छा माना हो, तो हम कैसे कह सकते हैं? यशपाल जी से संपर्क साधेंगे, कनेक्टिविटी की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और ऐसे खासतौर पर क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हम कोशिश करते हैं लोगों को जोड़ने की, तो इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन हम जिक्र खासतौर पर जो काला डूंगी के साथ साथ लालकुआं क्षेत्र का वो कर रहे थे, तो लालकुआं में समस्याओं के अंबार का जिक्र वो कर रहे थे, कह रहे थे कि पहले के विधायक ने भी कुछ नहीं किया, इस बार के विधायक ने भी कुछ नहीं किया। उम्मीदें और सपने हर बार दिखाए गए, लेकिन धरातल पर तस्वीर ये रही कि जिक्र कर रहे थे वो लालकुआं का एक खेड़ा गांव है, लाइट तक नहीं पहुंची है। यशपाल जी फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी आप अपनी बात पूरी करें, जो आप बता रहे थे कि समस्या। हाँ जी, गंगानगर। हेलो हेलो जी, अपनी बात रखिए यशपाल जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। गंगानगर गांव है ना, ये हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हर घर क्या कहते हैं विद्युत पहुंचेगा, अगर गंगानगर में पिछले 70-80 सालों से वहाँ पहुंची नहीं है बिजली, आज भी बिजली नहीं पहुंची है, जबकि चार चार विधायक यहाँ पर जाकर के पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2002 से विधायक चल रहे हैं यहाँ पर। 2002 में हमारे एक कांग्रेस के विधायक रहे थे, 2007 तक, 2007 के बाद भाजपा के विधायक रहे, फिर भाजपा के बाद फिर जो पहले कांग्रेस के बने थे वो निर्दलीय जीते, अब की बार फिर भाजपा के विधायक हैं। कोई भी विधायक कह दे कि अगर हमने यहाँ लाइट डलवा दी तो हम जैसा कहेंगे वैसा मानेंगे। अब बताइए साहब, अच्छा तो मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है, पहले के विधायक अच्छे थे या इस बार के हैं? हेलो, मैंने कहा पहले वाले विधायक अच्छे थे या इस बार वाले? सर मैंने बताया आपको, पिछले 20 सालों से कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसके लोग अच्छा कहें या उन्होंने लोगों को अच्छा कहा हो, क्योंकि सबने अपने बच्चों को नौकरी में लगाने का काम किया, अपने घर भरने का काम किया, तो दूसरे को अच्छा कैसे बता सकता है आदमी, कैसे कर सकता है? उनके तो काम उनके घरों में देख लीजिए, उनके बच्चे कितने आस पड़ोसी कितने नौकरी में लग गए, आपको खुद ही पता लग जाएगा, जबकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा तक हमारे क्षेत्र में मिला हुआ है लोगों को, और आज तो हमारी पूरी सरकारी उत्तराखंड से लेकर के हमारी पिछली बार तो सरकार चल रही है। विधायक जी के पास निर्दलीय थे, वो हरीश रावत जी के खास थे और बकायदा उनको कैबिनेट का दर्जा भी मिला हुआ था, तब भी कोई विकास नहीं किया उन्होंने? नहीं तो साहब कहाँ विकास होगा, अगर विकास किया होता तो हम ये क्यों कहते? अगर हम कह रहे हैं, अगर इसमें कोई झूठ है कोई गलत है, जो सजा चाहे सरकार हमें दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुला बोल रहे हैं, खुली बात कर रहे हैं। और जो आप समस्या, नहीं 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 आप अपनी बात रखिए, कोई समस्या नहीं है, और आप अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी पीड़ा नहीं बताएंगे, लोकतंत्र में अधिकार भी तो यही है, आप ही के लिए तो लोकतंत्र है। हेलो हेलो यशपाल जी, अभी अभी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए आप अपनी। सर छह घर रह गए बिंदुकत्ता क्षेत्र में, गोला में कई एकड़ जमीन उनकी काट दी, अभी तक उनके रहने की आवास की कोई व्यवस्था नहीं हुई, और 4 किलोमीटर हाथी कैडिडोर बनाने की बात चल रही है, 4 किलोमीटर गोला कम से कम नहीं भी तो आदमी के जमीन के बराबर आ चुकी है, इसीलिए भू कटाव की समस्या बनी हुई है। और दूसरा अभी आप देखेंगे जिन्होंने 10 आतंकवादियों को मारा, मोहननाथ गोस्वामी जी हमारे, वो भी वहाँ शहीद हो गए थे, उनके नाम का एक स्टेडियम के लिए जगह तो सेलेक्ट की है, लेकिन आज तक वहाँ पर एक ईंट का टुकड़ा तक नहीं रखा है। भाई ये क्या है, ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? इसको तो सरेआम देखना चाहिए भाई, इतने बड़े महान योद्धा जो आप कह रहे हैं, आज बच्चे तरस रहे हैं बॉल बॉल के लिए, के गैस गैस के लिए तरस रहे हैं,
तो वहां पर कम से कम हमारे बच्चे उत्तराखंड में इस योग्य तो बनते हैं। और दूसरा हमारे ही गोलापार क्षेत्र में हमारे ही पड़ोस में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जिसको डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के लिए अथक प्रयासों से काम किया गया था। आज तक बता दें कि एक खली जी के अलावा अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो पिछले 5-6 सालों में, 7-8 सालों में कोई बता दे, कोई भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ अभी, कोई भी प्रोग्राम हुआ हो तो काहे के लिए बनाया करोड़ों रुपए का स्टेडियम। अच्छा, कम से कम गोलापार क्षेत्र के लोगों को भी वहां पर खेलने सफेद हाथी साबित हो रहा है वो स्टेडियम। सफेद हाथी साबित हो रहा है यशपाल जी वो स्टेडियम आप ये कह रहे हैं? सफेद हाथी हो रहा है, उसके बगल में एक रोडवेज की जगह सरकार ने एक्वायर करी, वन विभाग से जमीन खरीदी, लेकिन वो रोडवेज बस अड्डा ही गायब हो गया। कहाँ गया रोडवेज बस अड्डा, जहाँ पर पूरे कुमाऊं के लोग तरस रहे। आप हल्द्वानी के बस अड्डे पर चले जाइए, स्वयं आपको पता लग जाएगा सर क्या स्थिति खराब हो रही है। अब क्या कहें, किस 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 विकास का नाम ले, तो मतलब बस अड्डा नहीं हुआ है, अब बस अड्डा नहीं है तो फिर किस? हेलो जी यशपाल जी, आप कह रहे बस अड्डा ही नहीं है वहां पर? नहीं नहीं बस अड्डा ही नहीं है, आइए देख लीजिए, खुलेआम बात है, मैं बस अड्डे की जमीन भी दिखा दूंगा आपको। आप बताइए। अच्छा, तो बस अड्डा जो है सरकार ने अधिकृत कर लिया था स्टेडियम के लिए, उसके बाद से बस अड्डा नहीं है वहां पर। करने के बाद उसका शिलान्यास कर दिया, आइए हरी सरावत जी वगैरह आए थे शिलान्यास करने, कहाँ गए ये लोग, सारे लोग कहाँ बैठे ये लोग, मैडम लोग क्या कर दिया है, सब खेल कहाँ का कहाँ फेंक दिया, कहाँ का कहाँ उठा दिया, कोई पता ही नहीं चल रहा। क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, आहत है, दुखी है, क्योंकि जंगली जानवरों ने तो परेशान किया ही किया है जनता को। आप जो कम से कम हजारों गायियां बिंदु खत्ते से लेके क्षेत्रों से लेके हर क्षेत्रों में जो फैल रही है, रातों रात लोगों का जीना हराम हो रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग। अगर अपने रात को आप यकीन करना साहब, लोग खेतों में जा जाके पहरा देते हैं और कई कई रातें जागते हैं, कई लोग परेशान है उससे, बहुत दिक्कतें हो रही हो गाय, ये गायों को भी। कभी कोई कंप्लेंट की आप लोगों ने इसको लेकर? क्या कहें, किसान परेशान है, छोटी छोटी कोई आप लोगों ने कंप्लेन की, लिखित लिखित कंप्लेन की, ब्याज का पैसा माफ करा दे, खत्म करा दे, वो तो कर्ज पर कर्ज कर्ज पर कर्ज पर कर्ज। लिखित में आप लोगों ने ये समस्या की कंप्लेन की क्या? साहब किससे करें कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट सुनने वाला बैठा है आज जिससे हम कंप्लेंट कर सकें? किससे करें कंप्लेंट बताइए, कितनी बार हमने डीएम साहब को लिख के दिया, कितनी बार हमने शासन को लिख के दे दिया है, कई सारे लेटर पत्र मेरे पास कम से कम तो 100 पत्र पड़े हैं, अगर एक पत्र में भी कार्रवाई हो तो बता दें। मेरे जैसे कई हजारों लोग है जिन्होंने क्या कहते हैं पत्र चलाए हैं, अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो कई लोगों के पत्र निकलेंगे। और दूसरा क्या हो रहा है, जातिवाद इस चरम सीमा पर पहुंच गया है कि सरेआम गोलियां मार दी जा रही हैं, सरेआम उनके नाखून निकाल दिए जा रहे हैं गरीब परिवारों के, जातिवाद बहुत हावी हो चुका है उत्तराखंड के अंदर, बहुत दिक्कत है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे जानना भी चाह रहा था, ओके मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे यशपाल जी कि क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम का मकसद होता है कि गांव गांव तक हम पहुंचे, और आप जैसे लोग जो कि जागरूक लोग हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं वो लोग बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और हम सरकार तक उसे पहुंचाते भी हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब लालकुआं की आवाम भी आपको सुन रही है, क्योंकि आज हमने कोशिश की थी कालाडुंगी कार्यक्रम चलाएंगे क्योंकि लालकुआं से आप जुड़ गए हमारे साथ, तो लालकुआं की समस्याएं आपने बताई। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि आप इस मंच के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे लालकुआं की आवाम को और सरकार को? हम तो यही यही करना चाहेंगे साहब, ये मंच आज हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है, मैं सबसे पहले मीडिया जी का मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा क्या है कि उत्तराखंड सरकार में पिछले 2002 से ये जब सरकार बनी है तब से 22,000 पद अनुसूचित जाति के लोगों से रोक के रखे हैं, जिसको बैकलॉग कहा गया है, आज तक नहीं भरा गया है। क्या कहोगे, हम तो उत्तराखंड सरकार से भी कहना चाहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे और आयोग से भी कहना चाहेंगे, जो आयोग बना रखे अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, और भी कई सारे आयोग, ये आयोग कर क्या रहे हैं, ये कहाँ पर है ये आयोग, कहाँ है ये विभाग, कृषि विभाग कहाँ है हमारा, कहाँ है हमारा विद्युत विभाग, एक एक पोल के 6,500 रुपए आम जनता दे रही है अपनी जेब से, अपने घर में अगर उसको लाइन लेनी है तो 6,500 रुपए एक पोल का पड़ रहा सर, उसका भी स्टीमेट बन रहा है 16,000 दो दो पोलों के पड़ रहे हैं, कहाँ से देगा आदमी बताइए,
एक आदमी बड़े मुश्किल से तो जमीन खरीदता है, बड़े मुश्किल से मकान लगाता है, कहाँ भी इसकी पूंजी होती है, कहाँ से दे पाएगा वो गरीब आदमी? बच्चों को पढ़ाएगा या बिजली विभाग का या इसका उसका पूरा करेगा? चलिए यशपाल जी, यशपाल जी मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जो कि ग्रामीण थे लालकुआ क्षेत्र से, हमने जिक्र कालाडुंगी का किया था लेकिन कालाडुंगी के जो जनप्रतिनिधि थे उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे कालाडुंगी के क्षेत्र में उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन यशपाल जी ने लालकुआ क्षेत्र की समस्याओं को बताया और बताया कि यहाँ पर किस तरह से समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं। ये कोशिश, ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी, कल फिर एक और नई विधानसभा सीट पर होगी मुलाकात और पूछेंगे गाँव का हाल कैसा है, मेरा गांव और मेरा देश। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।